नमस्कार, मैं हूँ पूनम। मसाला किचन में आपका स्वागत है। आपने देखा ना कल का वीडियो, कितने सुपर सॉफ्ट बन बनकर तैयार हुए। अगर बन आपको मार्केट से मिले तो भी चलेगा, घर में बनाए तो भी चलेगा। तो उन्हीं बन से आज हम बनाएंगे आलू टिक्की बर्गर। आलू टिक्की बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए होती है एक बढ़िया सी क्रिस्पी टिक्की और साथ में चाहिए गोल गोल बन। अब गोल गोल बन तो मैंने मार्केट से मंगाए, पर मुझे बहुत बड़े और साइज़ के मिले, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना घर में बना लूँ। तो मैंने घर में एक वीडियो बना ही लिया है, उसमें बहुत ही बढ़िया गोल गोल बने हैं, उसी साइज़ की हम टिक्की भी बना लेते हैं। तो घर के ही हो गए बन, घर की ही हो गई टिक्की। तो हम 2 चम्मच डाल रहे हैं यहाँ पर ऑयल। टिक्की कैसे बनाएंगे कि टिक्की आप ज़्यादा भी बनाइए, इसे आप स्टोर भी करके रखिए, जब मन करे बच्चों को चाहिए निकालिए और डीप फ्राई कीजिए। तो टिक्की कैसे बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले ऑयल डालेंगे। तो ऑयल में हमने डाल दिया ये है जीरा, थोड़ा सा डालेंगे जीरा। आप खाते हैं अगर लहसुन तो इसमें लहसुन डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए और हरी मिर्च। लहसुन नहीं खाते हैं तो आप प्याज लहसुन ना डालें, टिक्की में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। यहाँ डालते हैं प्याज, मेरे पास आज हरी प्याज थी तो मैंने हरी प्याज का ऊपर वाला पार्ट पहले डाल दिया। अब 1 मिनट बाद मैं डाल दूँ यहाँ पर थोड़े से मटर, गाजर, शिमला मिर्च। अगर आपके पास फ्रेंच बीन हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। जो भी आपको सब्जियाँ मिले वो आप डाल सकते हैं, जो बच्चे पसंद करते हैं, और कोई चीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। ये हरी प्याज की नीचे वाला जो पार्ट होता है ना हरा वाला, वो भी मैंने डाल दिया। यहाँ डाल रही हूँ मैं स्वाद अनुसार नमक। हम आलू भी डालने वाले हैं तो उस हिसाब से सारे मसाले डालिए। यहाँ डाल रही लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी, 1/2 चम्मच डाल रहे हैं हम गरम मसाला, जीरा पाउडर और 1 चम्मच डाल रहे हैं धनिया पाउडर। घर के सारे मसाले हैं, कुछ अलग नहीं डालेंगे। यहाँ गैस की फ्लेम स्लो कर देते हैं। अब इस टिक्की के लिए ना बाइंडिंग करनी है, जो अच्छे से अंदर से भी ना बाइंड रहे। तो आपके पास या तो बॉइल्ड राइस पड़े हो घर में वो डाल दीजिए, आज मेरे पास नहीं है तो मैं ये पोहे डाल दी हूँ। मैंने भिगो के रखे थे पोहे, वो अच्छे से फूल गए, 1/2 कटोरी भिगाए थे तो फुल कटोरी हो गई है। तभी मैंने कहा था कि मसाले अच्छे से डालिए, क्योंकि हम ना इसमें और भी चीज़ें डालने वाले हैं। खूब सारा हरा धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है नमक कम लगेगा, और लाल मिर्च। अब यहाँ पर 2 से 3 आलू इस तरीके से हाथों से क्रश करके डाल दीजिए। यहाँ आलू मैशर से आप मिक्स कर दीजिए, जिससे पोहे और आलू सब मिक्स हो जाए, क्योंकि पोहे दिखने नहीं चाहिए। अगर आप चावल डाल रहे हो या पोहे डाल रहे हो तो दिखने नहीं चाहिए। यहाँ देखिए पूरे आलू पोहे को हमने मिक्स कर दिया है, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ भी मैश हो गई हैं, थोड़ी सी दिख रही हैं, बस ऐसी ही चाहिए। और ये देखिए कितना अच्छा बाइंड हो गया है, मतलब बिल्कुल भी आलू का ना मॉइस्चर नहीं दिख रहा, तो ऐसा ही चाहिए। ये देखिए आप पोहे हो सकता है इससे ज़्यादा डालें, उससे कम डालें। और एक चीज़ और, जब आप आलू जब आप बॉयल वाला ले रहे हो तो अभी अभी आपने बॉयल किया हुआ नहीं डालें, उसे 2-4 घंटे पहले ही बॉयल कर दें, इससे आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब इसको हम बंद कर देते हैं, इस आलू को मसाले को काफ़ी हद तक ठंडा कर देते हैं। जब तक ये ठंडा नहीं होगा ना इसकी टिक्की नहीं बनाएंगे। अब वो टिक्की का जो मिश्रण बनाया वो ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है, अब उसे हम बनाएँ और ज़्यादा क्रिस्पी बनाएँ। उसके लिए ख़ास एक मिश्रण बनाना है, वो है कॉर्नफ्लोर और मैदा। मैंने 2.5 टेबल स्पून मैदा ले लिया, 2.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया, दोनों को मिक्स कर लिया। इन केस आपके पास आरारोट हो वो भी ले सकते हैं, चावल का आटा हो वो भी ले सकते हैं, तो कुछ भी ले लीजिए, हमें ये तो चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं नमक, थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च, इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मिश्रण बनाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो।
हमें ये देखना है, ये देखिए स्पून के पीछे इस तरीके से ऐसा पेस्ट आ रहा है, तो बस ये बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा इससे लूज़ भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। एक आध चम्मच और डाल देते हैं। अब ये ठीक है। अब देखिए ये मिश्रण पूरा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस कंडीशन में आप इसे फ्रोजन कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप जो आपके पास बन है उसकी साइज़ की आप टिक्की बनाइए, उससे थोड़ी छोटी बनाइए। फिर हम अभी इसे थोड़ा और पतला करेंगे, पहले थोड़ी सी मोटी होने दीजिए। इसके साइड जो है ना अच्छे से पैक होने चाहिए। इस तरीके से बना दी टिक्की। अब इस टिक्की को हमें करना क्या होगा, ये देखिए ये पेस्ट है हमारे पास, यहाँ पर रेड ड्रम्स है। यहाँ देखिए ये टिक्की की साइज़ अभी मोटी है, इसे हम पतला करेंगे। पर पहले हमें करना क्या होगा, इसे पहले इस बैटर में डिप करना है। ये देखिए अच्छे से डिप करना है, लेकिन इसका जो एक्स्ट्रा है वो हटाना है। अब यहाँ देखिए ये कॉर्न ये फ्लोर से निकाल के ब्रेड क्रम्स में लगाना है। दूसरे हाथ से इसके ऊपर पूरी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अब यहाँ पर आप इस टिक्की को थोड़ा सा दबाइए, ये देखिए दबाइए और इसे इस तरीके से कर दीजिए ये टिक्की। अब ये टिक्की क्रिस्पी भी बहुत होगी और ये आप इस तरीके से बना बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। इसे आप 2 वीक्स तक फ्रीज़र में रखकर जिप लॉक में रखिए या किसी बॉक्स में रखिए, आप रख सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं। जैसे एक ही दिन आपने काफ़ी सारी बना ली, 2 वीक्स आप चला सकते हैं। अब देखिए अगर आपकी बर्गर की साइज़ का यही है तो आपको इतनी बड़ी पतली ये टिक्की चाहिए। पहले अगर हम पतली कर देते तो इस मिश्रण में डालते वो टूट जाती। अब आप चाहें तो एक बार इसे और भी कोटिंग कर सकते हैं जिससे ये काफ़ी अच्छा क्रिस्पी हो जाए। वापस ब्रेड क्रम्स डाल दीजिए। इस तरीके से करने से ये टिक्की काफ़ी अच्छी क्रिस्पी रहेगी। अब जब आप नेक्स्ट टाइम जब फ्राई करेंगे ना तो आपको कुछ करना ही नहीं है, फ्रीजर से निकाला और बस 5-7 मिनट में इसे डीप फ्राई कर लिया। ये इस तरीके से टिक्की हम बना लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने 4 टिक्की बना ली है और इतने मिश्रण में कम से कम 5-6 टिक्की और बन जाएंगी, तो वो तो मैं फ्रोजन करने वाली हूँ। जब मेरा मन करेगा तब मैं फ्राई करूँगी, अभी मुझे 4 ही चाहिए। तो इसे हमें फ्राई कर कैसे करना, थोड़ा सा केयरफुली लीजिए और तेज़ आंच पे इसे फ्राई कीजिए। घर में कभी बनाना हो तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में तो बनाने से बहुत फ़ायदे हो जाते हैं, जैसा मन करे वैसे बनाइए। इसे बार बार मत पलटिए क्योंकि ये थोड़ी भारी सी होती है, टूट ना जाए। अब भले ही थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इसे बढ़िया सी क्रिस्पी होने दीजिए। ये नॉर्मल कटलेट से इसलिए अलग होती है कि इसे हम एक पेस्ट में डुबा के फिर ये ब्रेड क्रम्स लगाते हैं तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी लगने लगती है। वैसे वेज कटलेट अगर आपको बनानी है तो नॉर्मल में भी हम बना सकते हैं। अब देखिए मैंने फ्लेम को ना कम कर दिया तो ये बहुत ही बढ़िया अंदर तक सिक जाएगी, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनी है। इसे हम निकाल लेते हैं, यहीं हम और भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ देखिए कटलेट कितनी क्रिस्पी बनी है। नॉर्मल कटलेट जो होती है ये बहुत ही अलग होती है क्योंकि हम बनाएंगे इसे आलू बर्गर टिक्की, तो इसके लिए हमें यही तरीके से बनानी चाहिए, तभी उतना बच्चों को वही फ्लेवर आएगा, वही टेस्ट आएगा। और यहाँ देखिए मैंने बहुत सारे बन बनाए हैं, इसके लिए कल मैंने वीडियो बनाया था वो आपने देखा होगा। ये देखिए कितने सॉफ्ट बनते हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो क्यों ना हम इसी से ही बनाएं। तो मैंने तो इसी साइज़ की इसलिए बनाई है, तो अब हम इन्हीं से ही 2-3 बर्गर बना रहे हैं। इस बर्गर को हमें इस तरीके से काटना होगा, ये देखिए, ये देखिए कितने सॉफ्ट है ना। आप चाहें तो इसे बटर लगाकर सेक भी सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही यूज़ कीजिए। वैसे मेरे पास जो है ना तो बहुत ही सॉफ्ट है तो ज़रूरत ही नहीं है।
तो मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास दो टाइप की मेयोनी है, ये होममेड मेयोनी है, मैंने इसका वीडियो डाल रखा है। तो वाइट है तो आप इसमें थोड़ी टमेटो केचप मिला सकते हैं, थोड़ी सी रेड कश्मीरी लाल मिर्च मिला सकते हैं, तो इस कलर का आ जाएगा। अभी मैं जो ये यूज़ कर रही हूँ ये ऑरेंज वाली यूज़ कर रही हूँ। तो आपको जो करनी है आप घर से बनाएं या मार्केट से लाएं, जैसा भी करें, आप पाव भी बाहर से ले सकते हैं। अभी मैं ये नीचे वाला पार्ट ले रही हूँ जिसमें मैं ये सॉस लगा रही हूँ। यहाँ पर वैसे तो पत्ता गोभी होती तो बहुत बढ़िया, पर आज मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम लगा लेते हैं यहाँ पर कटलेट। पत्ता गोभी हो तो आप नीचे ज़रूर लगाइए। अब हम लगाएंगे, मेरे पास है तो मैं एक चीज़ स्लाइस लगा रही हूँ। वापस थोड़ी सी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेयोनी। अभी मेरे पास है यहाँ पर टमाटर के स्लाइस, बहुत पतले पतले कटे हुए, अनियन के रिंग्स हैं। इसका बीच वाला पार्ट हटाइए, इस तरीके का ही यूज़ कीजिए। खीरा मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि किसी बहाने बच्चे सैलेड खा सकें। यहाँ पर एक और रख दीजिए। यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर भी थोड़ी सी ये लगा लीजिए, आप अपने हिसाब से लगाइए, थोड़ी वाइट भी लगा लेते हैं। अब इसे हम यहाँ पर लगा देते हैं। मेरे पास है एक टूथपिक, मैं उसे इसमें लगा देती हूँ जिससे बच्चे इंजॉय करें आराम से इसे खाकर, और आपको भी देंगे दुआ अगर इस तरीके से बनाएंगे आप तो। बच्चों के लिए आलू टिक्की बर्गर मैंने घर पर बनाया, सारी चीज़ें मैंने घर की यूज़ की हैं। आपको अगर ये बन कैसे बनाया ये नहीं देखा है अगर आपने वीडियो, तो कल का मेरा वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको बहुत पसंद आएगा। किसी भी यूज़ में बन मस्का भी होता है जो हमें चाय के साथ, वो उसमें भी हमें यही टाइप के बन चाहिए होते हैं, उसकी लिंक भी मैं डाल दूँगी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए। इस टाइप से बच्चों के लिए बनाइए और इन्जॉय कीजिए खुद भी मिलकर। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अब आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।